नमस्ते बाळको, आज आपणे धोरण एक मां विषय हिंदी भणीशुं। हिंदी मां आपणे क थी करी अने थ, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घर, च से चरखा, छ से छाता, ज से जग, ज से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेदार, ड से डमरू, ट से डगला, ण से बाण, त से तलवार, ने थ से थर्मस। आ सुधी आपणे शीखी गया। हवे आजे आपणे आगळ शीखशुं थ पछी आवशे द। गुजरातीमां आपणे आम लखीए छीए द धड़ानुं द अथवा द दरवाजानुं द। हिंदीमां थशे द से द वात, द वात दवानी, द वात એટલે જે ઇંકની બોટલ હોય કડીઓ, સાઈનો કડીઓ, એને હિન્દીમાં કહેવાશે દવા। તો દ કેવી રીતે લખવાનો? આવી રીતે લીટો કરી આપણે ઇંગ્લિશમાં સી કરીએ છીએ એવો વળાંક આપી, અને અહીંયાથી સેજ આડો લીટો દ સે દવા ત। एक लाइन मूकी बीजी लाइन में तमारे तमारी हिंदी नोट में आखा पेज पर द से दवात लखवानो रहेशे। द से दवात लखाई जाय त्यार पछीना पेज पर आवशे द, पछी आवशे द। गुजराती में आपणे लखीए छीए ध धजानी द, तो हिंदी में पण कहेवाशे ध से ध्वजा। तो ध केवी रीते लखशुं आपणे गुजराती में लखीए छीए एवी ज रीते लखवानो, पण आगळथी मीठावाळो लखवानो। अने अहींया लीटो गुजराती में जे आपणे छेवटे वळाक आवे छे हिंदी में वळाक आवशे नहीं। આજે આપણે જે બે અક્ષર શીખ્યા દ અને દ, તમારે ક થી ધ સુધી બોલી બોલીને લખવાના રહેશે। અને દ અને દ સારા અક્ષર તમારે હિન્દીની નોટબુકમાં લખજો। તમને હિન્દી અક્ષરનો મહાવરો કરવો હોય તો ક થી ધ બોલી બોલીને તમે રફ નોટમાં લખી શકશો। અસ્તુ।